और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, जिसको लेकर हाथरस जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने जिला के समस्त थाना अध्यक्ष के साथ मीटिंग कर अपने अपने थाना क्षेत्रों में फैसले के दिन सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार लक्षकार, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने जिले के समस्त आला अधिकारियों ने राम मंदिर अयोध्या फैसले को लेकर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के थाना सदर कोतवाली में पीस पार्टी की मीटिंग का आयोजन किया। पीस पार्टी की मीटिंग में आज हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों के साथ वार्ता करते हुए हाथरस पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने हिंदू मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में शरारती तत्वों और बवालियों की हरकतों पर नजर रखते हुए समय से थाना पुलिस को सूचना दिए जाने के लिए कहा, जिससे किसी भी घटना से निपटा जा सके। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद किसी भी तरह का जुलूस और विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 को भी लागू किया गया। देखिए उसमें अलग अलग पहलू है, एक तो मीटिंग की जा रही है, हर जगह पर सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है। उसके अलावा पुलिस फोर्स का क्या डिप्लॉयमेंट रहेगा उसके अलग से प्लान बनाया जा रहा है, दंगा नियंत्रण योजना का अभ्यास कराया जा रहा है और बाकी सब अतिरिक्त अगर पुलिस वाली आवश्यकता पड़ी तो उसकी मांग की जाएगी। इन सभी बिंदुओं पर कार्रवाई चल रही है। अभी मंच से बताया गया जैसे धारा 144 भी लागू की है, वो पूर्व से लागू है और लागू रहेगा।